नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, चार धाम यात्रा 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, चार धाम यात्रा के कपाट कौन सी तारीख में खुलने वाले हैं, यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए आप रजिस्ट्रेशन कौन सी तारीख में करवा सकते हैं, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, चार धाम यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से आपको चार धाम यात्रा किस प्रकार करा रहे हैं, यह भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, इसी प्रकार आगे भी हम चार धाम यात्रा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 2023 में चारधाम यात्रा के कपाट कौन कौन सी तारीख में खुलने वाले हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को खुलेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। वहीं गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा भी की जा चुकी है। इस वर्ष बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को 7:10 पर खोले जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2023 में आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कौन सी तारीख में करवा सकते हैं। दोस्तों, 2023 में आप 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं चारधाम यात्रा के लिए। दोस्तों, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ में ही ऑफलाइन में भी व्यवस्था बनाई गई है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे जो वेबसाइट आपको दिख रही है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए है, आप इस वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने लिए चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से पहले ऑनलाइन ही करवा लें, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आप चारधाम यात्रा करने के लिए एक अच्छी और सुविधाजनक टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे अपने लिए आप चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी बुक करा सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से आपको उत्तराखंड की सबसे अच्छी और सुविधाजनक टैक्सी सर्विस प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करें और अपने लिए आप चारधाम यात्रा के लिए एक अच्छी टैक्सी बुक कराएं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी आप हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों, एक बार आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम आपके लिए चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी इंफॉर्मेटिव जानकारियां लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।